कार्तिक मास कथा अध्याय 8। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभृगु की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है, जिसे तारा भोजन भी कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाएं, या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, वो कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हो या तारा भोजन नहीं कर पाते हो, तो क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग ना कर पाए तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो भी नियम है उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंचभृगु व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराए पुरुष का मुख नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ और स्नान के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी पहले उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछने लगा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर सोऊंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की कि हे राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया।
साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगे, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब वह रात भी निकल जाने दो। भगवान ने तो उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए ये इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि ये उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपकी पुत्र वधु की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराए पुरुष को तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभृगु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधु का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज की कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए उन्हें बोकर 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। देवऋषि नारद ने इतनी कथा सुनाने के पश्चात महाराज कृतु ने देवऋषि नारद से विनती की, हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का कर्क चतुर्थी व्रत करती हैं, उन्हें संयोग वर अर्थात पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो चंद्रन आदि से गणेश जी का पूजन करें, फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ देवे, तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सदवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा प्रतु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त शर्मा, जय शर्मा और शुभोवन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरमती जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने के लिए महर्षि पुलस्त्य मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मा, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त्य मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने के कारण ही कन्या विधवा को प्राप्त हो गई है। फिर पुलस्त्य जी ने कहा कि एक संसद दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्रानी सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण प्रवृत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा,
कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण ये विधवा हुई है। यदि अब भी व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी की। धन्यवाद।